guys, welcome back to my channel. It's me, Sweetie. In today's video, we are going to try this kit. This kit is from the Face Shop brand. As you know guys, Face Shop brand bought the expensive hair. As I am middle class girl, I can't afford these products. मुझे बहुत ही time से ये Face Shop की skin care products try कर रहे थे, बहुत ये बहुत expensive होते हैं, इसलिए मैं try नहीं कर पा रही थी. But recently उन लोगों ने ये kit बाहर की है. क्योंकि ये whole kit की worth आप देखने जाओ तो 2700 rupees की है. But मैंने just उसको 990 rupees में buy किए, which is a lot affordable for this brand, and along with this pouch which is so pretty cool. And so देखते हैं इसमें क्या क्या है. I love this chain of flame. It's so travel friendly pouch, it's a waterproof, it's really nice quality pouch actually. ये पाउच अवेलेबल है अमेजोन में और नाइका में. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू बाय. अब देखते हैं 990 रुपीज में इन्होंने क्या क्या ऑफर किए. मैंने एज पहले बता दिया 2700 की प्रोडक्ट है, आप ऐसे एक्चुअल प्राइस में देखने जाओ तो. पर ये आपको मिलेगा अलग विद पाउच 990 रुपीज में, विच इज डैम गुड. ऐसे पाउच बोलोगे ना ऐसे फेस्टिवल में, जैसे वैलेंटाइन में भी उन्होंने ऐसा ही पाउच हार्ट शेप में निकाला था, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल था. एंड अभी उन्होंने दो पाउच निकाले, एक ये वाला और दूसरा है जो वो पिंक वाला पाउच है. और पाउच वाइज उसकी प्रोडक्ट भी अलग अलग होती है. ये सारे प्रोडक्ट मुझे ट्राई करनी थी जो इसमें है, इसलिए मैंने ये पाउच बाय किया है. Smells beautiful. It's so creamy, that jiggling cream. So creamy. Okay, मैंने अभी तक ये सारे प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना, मुझे इसका फर्स्ट इम्प्रेशन करना था. क्योंकि ड्रग स्टोर प्रोडक्ट को तो हम ट्राई करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि ये अच्छे है या नहीं. बट ये हाई एंड स्किन केयर मुझे एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन में ही देखना था कि ये फर्स्ट अप्लाई में ये कितना वर्क करता है. क्योंकि इतने रुपीज हम खर्च कर रहे हैं तो उसका कुछ तो बेनिफिट हो, जैसे ऐसे पता चले कि ये अच्छे है या नहीं. सो इसलिए मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन करूँगी. ओके, आप देख सकते हो मेरे फेस में अभी फुल फेस मेकअप है. मैंने ये मेकअप जो ब्राइट वन के लिए जो क्रिएट किया है वो आप इधर या मैं लिंक कर दूँगी, आप देख सकते हो मैंने कितना मेकअप पुट किया अपने फेस पे. सो देखते हैं ये मेकअप ये इजीली हटाता है नहीं. ऐसे मैंने रिव्यू देखा है कि ये लगाते ही मेकअप पूरा ब्रेक्स डाउन कर देता है और बहुत ही अच्छे से मेल्ट करके स्किन में से निकाल देता है. तो लेट्स ये देखते हैं. अदरवाइज ये देखने में काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइजर क्रीम ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही क्रीमी हेल्दी वाली जो क्रीम होती है वैसी लग रही है. ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव लग रही है, ड्रग स्टोर तो बिल्कुल भी नहीं लग रही. सो देखते हैं ये क्या करता है. ओके, मैं इसका ले रही हूँ इतना पहले. आँखों पे मुझे ये मेकअप नहीं निकलना यार. ओके, इसको लगा दे, मतलब फूल सा इफेक्ट हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है, फूलिंग इफेक्ट लग रहा है. मैंने वो मस्कारा वाटरप्रूफ लगाया है, देखते हैं. ओके, फेस का तो काफी निकाल दिया है ऐसा लग रहा है, देखते हैं. Yeah.
ये बिल्कुल भी हैवी वाली क्रीम नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जो मेकअप निकालने की क्लींजिंग क्रीम होती है वो बहुत ही हैवी ठीक होती है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे मॉइस्चराइजर जैसा ही है। और यह बहुत ही अच्छे से मेल कर रहा है मेकअप को। आई कैन यू कैन सी द मेकअप माई आईज इज कम्प्लीटली मेल। थोड़ा सा मस्करा जो है वो वाटर प्रूफ है, नहीं सकते मेल्टिंग मेकअप रियली नाइसली। एलोवेरा जैसी स्मेल तो आ रही है, बहुत ही वार्म स्मेल है, नहीं हेड को हर्ट करे वैसी स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, सो इट इज गुड। आई फील कि बहुत ही कम प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छे से मेल्ट कर रहा है। आप देख सकते हो मैंने इतना सा ही लिया था, तो आई थिंक ये बहुत लॉन्ग चलेगा। इसकी अमाउंट बहुत ही अच्छी सी है, 390 रुपीज़ में, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस में बहुत ही अच्छी सी अमाउंट है। और ये पाउच मतलब आप डेफिनेटली बाय दिस। आई फील सो गुड, इट्स मींस रियली गुड, इट्स रियली सॉफ्ट, परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो एंड नॉर्मल ऑल स्किन दैट इसमें लिखा है, जो बिल्कुल भी राइट है आई गेस। इसके बाद आप कॉटन पिट से वाइप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली फेस पानी से वॉश कर सकते हो। आई थिंक ये इतना अच्छे से मेल्ट हुआ है कि मैंने मेकअप लगाया तो वो भी नहीं दिख रहा है, जैसे ये सारे कलर्स मैंने जो आई पे लिखकर लगाए थे वो सारे मेल्ट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा फेस पे, राइट, सिर्फ क्रीम के अलावा, राइट। एंड इट्स सो हाइड्रेटिंग क्रीम ऐसा मुझे लग रहा है, यस इट्स अ सॉफ्ट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। या Good job. Mascara is almost gone. Now I'm taking the wipes and the spider off my face. I feel it's so moisturizing, refreshing. It's not that feel oily at all, and mascara is completely gone. Yeah, I don't feel that kadak effect at all. And little bit of kajal yahan pe reh gaya tha, wo jo white tha. Otherwise, it's completely gone. All makeup is completely gone. I really like this product. Par apne mujhe apne mera हाउ आई रिमूव माई मेकअप वीडियो देखा हो तो आपको पता ही है, मुझे पहले क्लिंजिंग मिल्क से मेरा फेस वाइट करना पसंद है, उसके बाद में मैसेलर वाटर और फेस वॉश करती हूँ। तो आई पर्सनली लाइक दिस प्रोडक्ट सो मच, थम्स अप फॉर माई साइड। एंड या अगर आप उसकी एक्चुअल प्राइस भी देखें तो भी ये काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि आपको इतना सा ही चाहिए है प्रोडक्ट, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा 390 रुपीज में। एंड नेक्स्ट इसमें है ये प्रोडक्ट सील है, मैंने अब सच में इसको यूज नहीं किया है कोई भी प्रोडक्ट को। ओके सो ये राइस वाटर राइट फोमिंग क्लींजर, ये फोमिंग क्लींजर है, बट मैंने रिव्यू में लिखा है कि ये इसका फोम नॉर्मल फोम से काफी क्रीमी वाला है, सो देखते हैं कैसा है। आप इसको सेपरेटली बाय करने जाओ तो ये साइज में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ये पाउच के लिए साइज बना है, ये सिर्फ 50 ml का पैक है। आप रियल प्राइस इसकी 150 ml जितनी है, इतना बड़ा ट्यूब में जो आता है वो। और आप प्राइस कंपेयर करो तो ये आपको पड़ेगा 216 में, अगर एक्चुअल प्राइस देखे जाए तो। मैंने ये फर्स्ट इम्प्रेशन ही मैंने यूज़ नहीं किया, ओके ये काफ़ी ठीक लग रहा है, ठीक। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं पहले।
इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है बट स्मेल काफी वार्म है, सबकी अच्छी है स्मेल. ओके इट्स फील सॉफ्ट. कंसिस्टेंसी इज थिक बट फील इज सॉफ्ट व्हिच इज नाइस. और अच्छे से फोम कर रहा है. इसकी स्मेल थोड़ी दव जैसी आ रही है, बहुत ही अच्छी सी आ रही है. वाटर थोड़ा सा ड्राई फील तो होता ही है क्योंकि हमको उसके बाद तुरंत ही मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ लग रहा है और आई फील ऑल क्लियर नाउ. थोड़ा टाइट कर क्लियर स्किन को ऐसा भी लग रहा है एंड आई फील ऑल क्लियर नाउ क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप था वो भी निकल गया है इसमें. As per the claim, thumbs up. Okay, उसके बाद इसमें ये किट है the White Seed Brightening Discovery Kit. And इसमें तीन चीज है टोनर लोशन एंड सीरम. बहुत ही छोटे छोटे पैकेज में बहुत क्यूट सा ये पीट है और आप बिलीव नहीं करोगे इस इतनी सी छोटी बॉटल में पंप भी है विच इज सो क्यूट. ओके आप इसे रियल प्राइस से कंपेयर करोगे ये टोनर आपको पड़ेगा 372 रुपीज इतना सा. देन लोशन आपको पड़ेगा 416 एंड सीरम आपको पड़ेगा 398 रुपीज. ये तीन मिला के ही 900 रुपीज हो रहे हैं और आपको पूरे पाउच में बहुत सारी चीजें और भी है. सो इट्स गुड ग्रैब दिस पाउच नाउ. सो पहले मैं यूज करूंगी टोनर को. दिस इज अ व्हाइट सीड ब्राइटनिंग टोनर. सो ये ब्राइटनेस के लिए आपका फेस बॉडी डल है या फिर मॉर्निंग में जस्ट उठे हो तो आप ब्राइटनिंग किट यूज करोगे तो आप बिल्कुल ब्राइट और फ्रेश लगोगे. सो या लेट्स Seal the first impression video. I am not lying, you guys. Smells really good. पहले देखते हैं हाथों में इसकी कंसिस्टेंसी क्या है उसके बाद बॉटम में. व्हाइट टोनर है, बहुत ही वाटरी क्लियर टोनर नहीं है. मुझे तो ये सीरम जैसा ही लग रहा है बट यार अभी मैं इसको फील कर रही हूँ तो बहुत ही लाइट जो टोनर की टेक्सचर का है वही लग रहा है. स्मेल्स रियली गुड. नाउ मैं कॉटन पेट पे लेके सुबह फेस पे वाइप करूंगी. इसकी कंसिस्टेंसी ठीक तो है बट फील करोगे तो बहुत नॉर्मल से लगती है. वॉट नॉट सो वाटर बट रियली अच्छी सी अच्छी क्वालिटी की लगती है जो कि है ही. कैन सी ये साइड बहुत ही हाइड्रेटिंग लगती है और ये थोड़ी सी गर्म. आई लव टू गायब. इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी स्टिकी सा फील नहीं करता, मतलब ये स्टिकी टोनर बिल्कुल भी नहीं है विच आई रियली लाइक दिस एंड इट्स रिमूव थम्स अप डर्ट.
ओके एक्चुअल प्राइस देखे जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट आई कांट अफोर्ड दिस। आपके पास ऐसे तो जरूर लीजिए, इट्स वेरी गुड एंड या इट्स इन अ 32 ml ऑफ पैकेज। ओके नाउ ये टू स्टेप्स बाद में करेंगे, अभी हम लगाएंगे उसकी अगली प्रोडक्ट जो ये बैग में है, और इसमें इसके साथ आए हुए थ्री सीड मास्क। वन है पोमेग्रेनेट का और दूसरे दो है ग्रीन टी के। सीट मास्क मैंने पहले यूज किए हुए हैं, ये ईच क्योंकि ये सिर्फ 100 rupees का एक आता है तो वो तो हम एक बार यूज कर ही सकते हैं, लाइक इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। सारे सीट मास्क एटलीस्ट 100 rupees का तो एक आता ही है। सो तो मैंने इसका 7 day 7 sheet mask का चैलेंज भी किया है मेरे इंस्टाग्राम पे, सो गो एंड वॉच दिस स्टोरीज, एक दिस स्टोरीज ऑन माय हाईलाइट स्टोरीज। सो ओके सो आज मैं यूज करूँगी ये ग्रीन टी वाला, बिकॉज ग्रीन टी वन इज माय फेवरेट वन। टोनर के बाद सीट मास्क यूज करना चाहिए तो दैट्स आई एम फॉलोइंग दिस स्किन केयर रूटीन विद दिस पाउच, विद इज गुड क्योंकि एक ही पाउच में आपको पूरा स्किन केयर रूटीन आपका हो सकता है, एंड वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा स्किन केयर रूटीन एक ही पाउच से कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने ये पाउच एक्चुअली सिलेक्ट किया था, दूसरा जो पाउच है उसमें पूरा स्किन केयर रूटीन नहीं होता मेरा। सो लेट्स ओपन दिस। लगा के रहने देना, उसके बाद हम रिमूव करेंगे, और पूरा ड्राई नहीं होना देना है क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत ही गलत होता है, पूरा ड्राई मत होने दीजिए। हाँ इट्स बीन सो लॉट्स ऑफ सीरम full of serum right now. This feels so good. Already इसके अंदर और भी serum है। अभी भी इसमें है सीरम, बट कम्प्लीटली उसको ड्राई नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा बहुत रह जाता है तो इट्स ओके, और ये आप मतलब यूज़ कर सकते हो आपके हैंड पे या कहीं पे भी, सो विच इज़ ऑल्सो गुड। नाउ इसको आपको क्लोथ से रब नहीं करना, सिर्फ पैट करना है अपने स्किन पे, सो ये अंदर चला जाए वो अच्छे से, क्योंकि ये सीरम स्किन के लिए अच्छा है, उसको निकाला नहीं। Using this serum which is so cute, it's come with this type of palm and I really like this, and let's go. You can see ये थोड़ा बहुत toner जैसा ही है, toner से smell सबकी same है क्योंकि ये white shade का same range का है white shade का, and कंसिस्टेंसी टोनर से थोड़ी सी पिंक और मिल्की सी है। नॉट सो स्टिकी, ऑल प्रोडक्ट इज सो वाटर Sealed.
क्वेश्चन सीरम से ठीक होता है तो सिर्फ वैसा ही है. स्मेल सेम एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल आइटम. इट्स रियली नाइस लग्जरियस लोशन. फील्स ग्रेट व्हेन आई अप्लाई. इट्स कंप्लीटली इट्स हाइड्रेटिंग एंड ब्राइटनिंग. यू कैन सी दिस साइड इट्स सो लाइक रोज वाटर हैंड क्रीम. मुझे सिर्फ स्मेल में रोज वाटर की स्मेल ही पसंद है. दूसरे सारे मेरे हेड को बॉडी हर्ट करते हैं. सो आई रियली लाइक दिस इज अ फुल साइज प्रोडक्ट वर्थ ₹300. And I really want this type of packaging hand cream which I have one till now. So I really like this. It smells divine. I love this. I love the smell of rose and it's not that strong rose smell. It's really mild smell of roses and I really like this. Just it's not sticky, it's so like so skin friendly. It's absorbed in my skin really well. All product absorbs really well, really quickly. That's I like more. ₹390 mein ye cheez to bahut achhi hai makeup ko melt karne ke liye. And all this product is so this is so pricing their actual price. And this is also but this is really good and this face mask is all time my favorite. So yeah, you first impression me sabka thumbs up hai. So regular use karne se kafi acha sa result aayega I hope. And I will definitely will tell you in dusre video mein. So yeah, that's it. And agar pouch ki price aap ginne jao to at least ₹300 to aapko ginni hi padegi kyunki ऐसा अच्छी क्वालिटी वाला बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उसकी. वाटर प्रूफ है ऐसा पाउच 300 में नहीं मिलेगा बट कम से कम देखे जाए तो ₹300 मैंने उसकी दी है. एंड या इट्स रियली ब्यूटीफुल पाउच. Okay, that's it for this video. I hope you like this video so much because I really like to use these products and also it's helpful because it's so expensive product but I have like bought in just ₹990 which is so good. And yeah, ye bahut hi acha tarika tha ye sare products try karne ke liye. Ye offer bahut hi achhi thi. Really looking for this type of offer in future from the face shop pouches. I really want to make more videos from that pouches. I highly recommend it कि आप pouch पहले try कीजिए तो उससे ऐसा भी ये expensive product है. अगर आप big size full size product आप buy भी कर ले तो अगर work करी है नहीं करी वो आपको पता भी नहीं होगा. तो ये travel size product pouch में इतने कम पैसों में लेने का बहुत ही अच्छा सा फायदा है. I really like these things. So yeah. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And for subscribe, click here. And to watch more such my videos, then click here. Bye.